अस्सलाम वालेकुम, खुशखबरी वीकेंड डिलाइट क्लासिक्स की एक और एपिसोड के साथ हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है आपके? जी बढ़िया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? और आज आप कौन सा क्लासिक ड्रामा लेके आई हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू हिरा जी। आज जो मैं क्लासिक ड्रामा डिस्कस करने चल रहे हैं वो वाकई क्लासिक है, और मेरा तो जिसका लास्ट जो हमने दो डिस्कस किए थे वो भी मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स में से थे, और ये भी अनडाउटेडली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। और आज हम जो ड्रामा डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्शन थ्रिलर है, और ड्रामे का नाम है धुआं, जो 1994 में रिलीज हुआ था, पीटीवी की प्रोडक्शन थी। फिर आपने ये ड्रामा देखा है? जी बिल्कुल, मैंने देखा तो हुआ है लेकिन बहुत पहले, और मुझे अब उस तरह जैसे कि आपको याद है शायद उतना याद नहीं है, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आप मुझे उसको दोबारा एक रिकैप दे दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग है, मैंने ये ड्रामा बहुत दफा देखा है। एक तो ये काफी दफा पीटीवी पे रिपीट टेलीकास्ट भी हुआ है, उसके अलावा थैंक्स टू यूट्यूब इट्स वेरी मच अवेलेबल, तो उस पे भी मैंने इसको बहुत दफा देखा है। एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट, रीजन बीइंग सबसे खास बात तो ये है कि ये ड्रामा जिस सब्जेक्ट पे बना है वो पुलिस पे, कभी भी पाकिस्तानी पुलिस को उस अंदाज में नहीं दिखाया गया जिस तरह इस ड्रामे में दिखाया गया है। जिस तरह हम हमेशा से आर्मी की ड्रामास देखते हैं और हमें इंस्पिरेशन मिलती है, तो इट्स वन ऑफ ये उस तरह का ड्रामा है कि उस कैटेगरी में खड़ा होता है, जैसे अल्फा ब्रदर चाली है या अहदे वफा रिसेंटली हमने देखा, या उससे पहले भी जितने ड्रामास आए हैं उस कैलिबर के, तो इस ड्रामे का कैलिबर भी उतना ही हाई है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस ड्रामा बहुत से लोगों ने पुलिस को फॉर्मली ज्वाइन करने शुरू हो गया जितने यूथ थी, बिकॉज इतना ही इंस्पिरेशन ड्रामा है। ड्रामे की खास बात यह है कि इट्स एन एक्शन थ्रिलर एंड ड्रामा इज मोर लाइक, अगर आप अभी भी देखेंगे ना तो उस जमाने में इतना रेलिवेंट और इतना हाईटेक ड्रामा आप कभी भी नहीं तसव्वुर किया जा सकता था। उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी उन्होंने दिखाई वो आज भी रेलिवेंट है, और इससे अंदाजा होता है कि कितनी प्रोग्रेसिव सोच थी, कितनी इनोवेटिव लोग थे जिन्होंने ये ड्रामा लिखा। ये जो ड्रामा है ये आशर अजीम ने लिखा, और ये उनका क्राफ्ट है। बेसिकली आशर अजीम को लोग जानते होंगे, अगर किसी ने मूवी मालिक भी देखी है वो भी उन्हीं की मूवी है जो उन्होंने लिखी और प्रोड्यूस भी की। इसी तरह ये ड्रामा आशर अजीम, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं और अब तो रिटायर हो गए, उन्होंने ये ड्रामा खुद लिखा, और इसकी लीड कास्ट भी में भी वो सबसे बड़े हीरो वही है। और साथ ही साथ ये जो डायरेक्शन थी ये सजाद अहमद की थी, ये पीटीवी क्वेटा सेंटर की प्रोडक्शन थी, और ये भी आई थिंक इस ड्रामे की हाईलाइट है कि क्वेटा सेंटर से इतना हाई क्लास ड्रामा प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज नॉर्मली मेन स्ट्रीम सेंटर से ज्यादा चीज प्रोडक्शन होती है, बट क्वेटा का, अगर क्वेटा सेंटर की बात की जाए तो ये उसमें स्टैंड आउट करता है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा एवर प्रोड्यूस बाय दैट सेंटर। ओके, जो इसमें लीड कास्ट है वो मैं बताती जाऊँ, जो सबसे ज्यादा जो सबसे लीड मेन कैरेक्टर प्ले किया था वो आशर अजीम ने किया था खुद, जो कि एएसपी अजहर बने थे ड्रामे में, उनके एक फ्रेंड होते हैं, इट्स अ स्टोरी अबाउट फाइव फ्रेंड्स, सो पहले तो वो पांच मेन कैरेक्टर्स थे। नबील ने डॉक्टर दाऊद का किरदार अदा किया, असल दीन खान ने नवीद का कैरेक्टर किया जिनका निक नेम ड्रामे में नीदो था, और वाजिद अली शाह ने वाजिद का कैरेक्टर किया जो एक जर्नलिस्ट बने थे, जुबैर खान अचकजई ने हमीद का कैरेक्टर अदा किया जो एक लोकल आर्म्स डीलर थे। ये तमाम एक पांच लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है, तो बेसिकली द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड फाइव फ्रेंड्स। और जो अदर लीडिंग कैरेक्टर्स थे वो एक नाजलीन नसर थी, जो सारा जो ड्रामे में उनका कैरेक्टर का नाम था सारा, वो फीमेल लीड थी, साथ ही साथ वो एक अंडरकवर एजेंट बनी होती है, विच इज अगेन लग रहा होता है ये आजकल का ड्रामा है, बिकॉज उस जमाने में अंडरकवर एजेंट दिखाना एंड जितना ब्यूटीफुली उन्होंने उसको पिक्चराइज किया और प्ले किया वो रोल, बहुत ही अच्छा था। नैयर एजाज एज सलमान, रिजा आमिर एज रिजा, रऊफ भटियाज एज अजमल, प्याज अहमद परवाना एज बशीर, वो एक सिंगर होता है, उनका एक मुलाजिम होता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है। अजरा आफ्ताब भी थी जो दाऊद की मदर बनी थी, और भी बहुत अच्छे अच्छे इसमें करेक्टर्स थे, लेकिन ये कुछ नाम हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। ड्रामे का बिफोर आई शेयर द सिनॉप्सिस मैं जरूर बताना चाहूंगी, इट्स जस्ट लाइक जिस तरह आप एक नेटफ्लिक्स में एक थ्रिलर सीरीज देखते हैं ना, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड उस जमाने में 1994 में इस तरह की चीज प्रोड्यूस करना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन टीम एज वेल एज द राइटर्स, बिकॉज बहुत ही हाईटेक थी। ड्रामे की कुछ शुरुआत ही कुछ इस तरह होती है कि ये कहानी पांच दोस्तों की है, और जो आशिर हैं जो लीड इसमें कैरेक्टर थे वो उनसे ये ड्रामा शुरू होता है, और मैं कभी वो सीन भूल नहीं सकती कि स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि आशिर की नए नए वो पास आउट हुए होते हैं पुलिस एकेडमी से, और उन्होंने फिर वो जब उनकी पहली पोस्टिंग जो होती है वो क्वेटा में होती है, तो जब वो क्वेटा में लैंड करते हैं वहां पे वो आके सेटल होते हैं,
उनका दिखाया हुआ है कि जब वो मतलब वो उनका ओवरऑल एनवायरनमेंट जो आशिर के घर का है, उनका एक फ्रेंड होता है दाऊद, उसके साथ वो रूम शेयर रादर हाउस शेयर करते हैं दोनों मिलके जब इधर होते हैं, तो वहां पे वो सेटल होते हैं। वहां पे उनका शुरू में दिखाते हैं कि जो उनका आशिर है वो इतना हाईटेक होता है कि उसने अपना सुबह सवेरे जो अलार्म सिस्टम होता है ना, वो हर चीज कनेक्टेड होती है कि सुबह 8 बजे या 7 बजे जो भी टाइम है, सारी चीजें लाइट्स डेक कंप्यूटर हर चीज उसकी कोऑर्डिनेटेड होती है और सिंक करके वो अलार्म के तौर पर बजने शुरू हो जाती है। तो इट्स सो अमेजिंगली पोर्ट्रेट, जो उस जमाने के लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत ही हाईटेक चीज थी। उसके अलावा जो स्टोरी रिवॉल्व इस तरह करती है कि जो आशिर है जब वो न्यूली अपॉइंट होता है क्वेटा में, तो उसको एक अंडरकवर कह लें एक असाइनमेंट मिलती है बाय द मिनिस्ट्री, और उसको ये कहा जाता है कि आपने क्वेटा में जो ड्रग माफिया है या ड्रग डीलर्स हैं उनको बेनकाब करना है बेसिकली, और उसको एक टास्क दी जाती है कि अंडरकवर रह के उसने एक टीम फॉर्मुलेट करनी है, जो ट्रेनिंग जिनकी पहले की जाएगी और उसके बाद वो पूरी माफिया को पकड़ेंगे। लेकिन इट हैज टू बी वेरी सीक्रेट बिकॉज ऑब्वियसली वो माफिया बहुत बड़ी होती है, उनके हाथ बहुत बड़े होते हैं, इवन विद इन द गवर्नमेंट्स उनकी रीच होती है। सो इसको ये अंडरकवर जो असाइनमेंट दी जाती है उसके लिए ये अपने दोस्तों को एंगेज करता है। नबील जिस तरह इसका अपार्टमेंट मेट भी होता है, तो वो तो इमीडिएटली ऑब्वियसली वो डॉक्टर होता है इसमें कितारा दातिया, वो तो ऑब्वियसली ऑन बोर्ड आ जाता है। बाकी नवीद के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, इनका तीसरा फ्रेंड होता है नवीद जो बेसिकली एक बिजनेसमैन का बेटा होता है, वो इनका ऑटोमेटिकली फ्रेंड होता है, तो वो भी शामिल हो जाता है। उनका एक कॉमन फ्रेंड होता है वाजिद, और साथ ही साथ एक और उनका जो तीसरा फ्रेंड होता है वो हमीद होता है जो आर्म्स डीलर होता है। इन सब ने ना मिलके ये गन्स क्लब में मतलब गन ट्रेनिंग करते होते हैं, तो इन सब का कुछ इस तरह सर्कल फॉर्मुलेट होता है कि ये फ्रेंड सारों को ऑन बोर्ड लेता है आशिफ, और कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि हमें ये इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री दिस इज द टाइम। उनको एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ साथ उनको एहसास दिलाता है कि हम लोग हमेशा बातें करते हैं, बट नाउ इज द टाइम कि अगर हमें कोई एक्चुअल चेंज लानी है अपनी सोसाइटी में, तो हमें ये मौका मिला है, तुम लोग मेरे साथ ऑन बोर्ड हो जाओ। शुरू में दोस्त थोड़ा इसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, हम कैसे अंडरकवर ऐसा काम करेंगे, तुम्हें क्या पता ऐसे। लेकिन आशिर क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही इंस्पायरिंग से दिखाई हुई है एंड द वे ही टॉक्स, तो वो सबको कन्विंस कर लेता है कि हम लोग ये काम करेंगे, अपने मुल्क के लिए करेंगे। तो ये ड्रामा इज ऑल अबाउट पेट्रियोटिज्म, एवरी एपिसोड इज लिंक टू द प्रीवियस एपिसोड, मगर उसमें डिफरेंट केसेस सॉल्व हो रहे होते हैं, सो द स्टोरी इज लाइक दैट। और फिर साथ साथ एक जो लीडिंग फीमेल कैरेक्टर है जिसका बहुत जरूरी है मेंशन करना, वो है नाज़लीन नसर, जो बेसिकली सारा का कैरेक्टर अदा किया था। इन लोगों पे एक चेक रखने के लिए, जो पीछे बेसिकली एक सीक्रेट एजेंसी दिखाई हुई है, अपेरेंटली बताया नहीं है कि वेदर इट्स ISI हो वेदर इट्स IB, व्हाटएवर इट इज, इट्स बेसिकली एन इंटेलिजेंस एजेंसी जिनके लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो इन लोगों पे चेक रखने के लिए एक सारा अंडरकवर एजेंट को वो असाइन करते हैं, जो एक फीमेल अंडरकवर एजेंट होती है, वो बज़ाहिरन इसको आशिर से मिलती हैं जहाज पे ट्रेवल करते हुए, और इसको बताती हैं कि वो UN के लिए काम करती हैं, बट एक्चुअली वो एक्चुअल में वो भी एक एजेंसी के लिए जिसके लिए ये काम कर रहा होता है उनके लिए काम कर रही है। तो स्टोरी फिर पूरा इस तरह चलती है, पूरे थ्रू आउट उसको नहीं पता होता आशिर को कि सारा भी एक एजेंट है, प्लस उसमें बहुत और लोग भी आते हैं, दाऊद के साथ भी एक फीमेल लीड आती है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली आप लोगों ने ड्रामा अगर देखा हो तो आपको पता चलेगा कि ड्रामे का एंडिंग सैड है, सॉरी टू से दैट, मगर लेकिन ये ड्रामा इतना अच्छा है ना कि बेशक सैड है यू विल स्टिल एंजॉय इट। और उस जमाने में फिर दिखाते हैं कि हाउ दे वर्क टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्टिव, जो उन्होंने एंड गोल रखना होता है, वो एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसमें उनके सारे लोग हेल्प करते हैं, ये जो दाऊद की फीमेल लीड होती हैं वो भी उनकी हेल्प करती हैं, वो एक उस जमाने में वो कंप्यूटराइज डेटाबेस बनाते हैं जिसमें नेशनल ID कार्ड्स पासपोर्ट्स और व्हीकल डेटा सारा कलेक्ट करते हैं। अब ये चीज़ें आज जाके आई हैं, लेकिन उस जमाने में कैसे उन्होंने फ्यूचरिस्टिक सोच के ये ड्रामा बनाया, इट्स बियॉन्ड अमेजिंग आई बिलीव। एंड ओवरऑल ड्रामा को बहुत अवार्ड्स भी मिले। आज तक अगर पुलिस के बारे में कोई ड्रामा इतना जाना जाता है वो धुआं है, और लाइक आई सेड इट इज सो न्यू, इसमें इतनी इतना इंटरेस्टिंग और थ्रिलर पर इतना है जैसे आप एक नया नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे होते हैं। सो आई थिंक उस जमाने के ड्रामाज वर अमेजिंग एंड 1994 के हिसाब से इट्स वन ऑफ द बेस्ट। सो स्टोरी इससे ज्यादा मैं बताना नहीं चाहूंगी बिकॉज
ऑब्वियसली इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो हर एपिसोड की मुख्तलिफ है, बिकॉज वो डिफरेंट केसेस सॉल्व कर रहे होते हैं. बीइंग अ पुलिस ऑफिसर उनको मुश्किल भी आती है. अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली इज टूवर्ड्स द ड्रग डीलर जिन्होंने उसको बेनकाब करना होता है, मगर वो स्टोरी इसी तरह प्रोग्रेस करती है. एक साथ साथ केसेस भी सॉल्व होते हैं, साथ साथ लव स्टोरी भी है सारा और आशिर के दरमियान. इट्स ब्यूटिफुल, इतनी डिसेंसी मेंटेन करते हुए उनका जो केमिस्ट्री है आपस में वो बहुत अमेजिंग है. और आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. तो हिरा आप बताएं, आपको इस ड्रामे के कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है तो हमें बताएं प्लीज. जी मजिया, आप मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी आपके साइनोप्सिस को सुन के. सारा ड्रामा मुझे फ्रेश हो गया और बड़ा मजा आया सुन के. मैं बिल्कुल इसके कुछ बताऊंगी फैक्ट्स आपको कि जो कि इसकी रिसर्च से हमें पता चला है. एक तो ये कि जो इस ड्रामे के हीरो थे जो आशिर हैं वही इस ड्रामे के राइटर थे, और वो क्योंकि खुद भी पुलिस ऑफिसर थे और वो जब CSS की सिविल सर्विसेज एकेडमी में रहते हुए उन्होंने ये ड्रामा लिखा था. और इनिशियली उन्होंने क्योंकि वो कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखा था तो उन्होंने इसको एक नॉवल की फॉर्म में लिखा, जो कि बाद में टेलीविजन पे उसके जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे उन्होंने उनको उसको स्क्रिप्ट की फॉर्म में डाला. और फिर क्योंकि इनको लगा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी अच्छे तरीके से उतनी अच्छे तरीके से डिपिक्ट नहीं हुई या जो चीज़ इन्होंने सोची हुई थी उसको इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया गया, तो फिर उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें चेंज की. तो बेसिकली ये एग्जैक्टली उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा था. एग्जैक्टली बिल्कुल. और ये एक बात. दूसरी जो मुझे बहुत ही मज़ेदार फैक्ट लगा कि धुआं जो हम लोगों को लगता था कि एक स्मोक और इसके फायर से रिलेटेड उस ड्रामे का नॉर्मल एक नाम है धुआं, वो मुझे आज पता चला है कि वो बेसिकली ये फाइव फ्रेंड्स के नाम को जोड़ के धुआं बनाए. लाइक जिस तरह के दाऊद, हमीद, वाजिद, अजहर, नवीद और लाइक इनका, हाँ इनको अगर आप मिला लें तो धुआं बन जाता है. तो वो ये बहुत इंटरेस्टिंग. एग्जैक्टली मतलब इतना किसी ने इसके बारे में इतना सोचा और इतने इसके पीछे इतनी एफर्ट डाली है, ये बहुत बड़ी बात है. और बहुत मैं इनकी क्रिएटिविटी पे और इनोवेटिवनेस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ. और इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड, एग्जैक्टली बिल्कुल ये मैं बताने लगी हूँ कि वो वैसे कंपोज किया गया था फरुख आबिद साहब ने इसको कंपोज किया था. और इसमें बहुत पॉपुलर जो हमारा नुसरत फतेह अली खान साहब का बहुत ही जबरदस्त गाना है कि सीधा यार ना बिछड़े, जो कि वैसे ही बहुत मेगा हिट है, वो ड्रामा भी इसके अंदर डाला गया था. और स्पेशली जो इसकी एंडिंग बहुत सैड जिसको बना देते हैं उस पर जब ये चला था तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया रोई थी और वो आज तक वो कोई भूल नहीं पाया. बिल्कुल, ये जो गाना बीच में डाला गया था ना, जो पहला सबसे पहले दो दफा ये गाना चलता है, पहले जब चलता है कि जो इस पूरे ड्रामे में सबसे हार्ट थ्रॉब कह लें कैरेक्टर था जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर दाऊद का नबी, तो उसकी विद इन द ड्रामा डेथ होती है, एक क्लाइमेक्स पे उसकी डेथ हो जाती है. उस वक्त ये पहला दफा ये गाना चला था और लोग रोए थे, जैसा आप बता रही हैं इतने वो रोए थे. और सबको ये बहुत फनी है कहने में, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये था क्योंकि ये पांच दोस्तों की कहानी थी, उनमें जो तीन लोग थे वो तो बहुत लोगों को पसंद आए, जो बाकी दो थे ना उनका एज सच कोई स्टोरी नहीं थी. तो लोग हंसते थे कि यार वो एक्स्ट्रा आइटम्स को क्यों नहीं मार दिया, इन्होंने दाऊद को क्यों मारा है. वो एक्चुअली ये बहुत फनी स्टोरी है इस ड्रामे से जो आप रिलेट कर सकते हैं. हालांकि मतलब ऑब्वियसली सब कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, मगर सब लोगों का ख्याल था कैरेक्टर्स को क्यों नहीं मारा, क्योंकि मेरा ख्याल उनका बहुत पॉपुलर कैरेक्टर था जो कि जिसकी इम्पैक्ट भी ज्यादा पड़ा जाहिर है. एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल. और आई थिंक सिनेमेटोग्राफी वाइज भी इस ड्रामे की रियलिज्म बहुत है. इसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए वो बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत बहुत अमेजिंगली पोर्ट्रेड है. बिकॉज उस जमाने में शोइंग सच सीन्स और ऑब्वियसली उसमें राइफलरी भी दिखाई, ट्रेनिंग का प्रोसेस पूरा दिखाया गया है. उसमें पूरी एक आर्मी मैन उसको उनको ट्रेन करता है पूरे पांच छह दोस्तों को, तो वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया. और अल्टीमेटली जो इस ड्रामे का अल्टीमेट कॉज है वो आई थिंक हीरा आपका भी दिल से जुड़ा है और मेरा भी, वो पाकिस्तान. इस ड्रामे का पूरा मकसद इज लविंग योर कंट्री एंड यू कैन. अब हम लोग हमेशा बातें करते हैं यू नो कि पाकिस्तान में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं. सो इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि यू कैन एक्चुअली डू समथिंग फॉर योर कंट्री. सो ये जो पांच दोस्त होते हैं ये अजम कर लेते हैं कि यू नो उन्होंने अपनी कंट्री में कुछ चेंज लाना है. और क्वेटा के शहर में बीच में दिखाया गया है कि कैसे दहशतगर्दी भी हो रही है और बहुत से ऐसे वाकयात हो रहे थे, तो उसको उन्होंने कैसे डील किया और एक माफिया और टेररिस्ट को कैसे अनवील किया, तो वो उस पर ये स्टोरी है. एंड
आई एम श्योर अगर किसी ने ये नहीं देखा हुआ तो दे आर मिसिंग ऑन समथिंग ग्रेट. एंड और टोटल आई डोंट नो इफ आई मेंशनड और नॉट, टोटल 11 एपिसोड्स. सो 11 एपिसोड्स YouTube पे अवेलेबल हैं, तो आप इजीली, हीरा आपको चाहिए दोबारा से देख लें आप. मैं बिल्कुल, मैं यही सोच रही हूँ कि 11 एपिसोड्स देखने में कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, तो मुझे जरूर देख लेना चाहिए. बिल्कुल चलिए, थैंक यू सो मच. सज्जाद अहमद की प्रोडक्शन है. आई थिंक आज के लिए इतना ही. आई एम श्योर आवर व्यूअर्स आर गोइंग टू लव दिस ड्रामा. प्लीज अगर आपने नहीं देखा प्लीज देखें. हमारे रिव्यू के बारे में भी हमें फीडबैक दें. इफ यू थिंक वी मिस्ड ऑन समथिंग और इफ यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा. आज के लिए बस इतना ही. इंशाल्लाह अगले दफा फिर किसी और नए क्लासिक को डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.